सत्या ट्रैक्टर गैरेज में आपका स्वागत है। ये महिंद्रा 475 DI, इसका हम हाइड्रोलिक ऑयल फुल्ली चेंज कर रहे हैं। इसमें ये हम डाल रहे हैं महिंद्रा कंपनी का ओरिजिनल तेल MSTAR, महिंद्रा जेन्युइन ट्रांसमिशन ऑयल, ये कंपनी गल्फ का आता है। इसका जब भी आपको तेल चेंज करना है, इस तरह हाइड्रोलिक खोल के अच्छी तरह धो लेना है, जिस तरह हमने अभी साफ़ किया है उस तरह। उसके बाद इधर भी अच्छी तरह धो लेना है। देख लीजिए, हमने पूरी तरह क्लीन किया हुआ है, क्लीन करने के बाद ये जो है अपना फिल्टर, इसे ज़रूर साफ करना है खोल के। आपको ये दिखाएंगे कहाँ पे फिट होता है। ये फिल्टर यहाँ पे लगता है किसान भाइयों, आपको दिख रहा होगा। ये हमारा ब्रेक पैनल के नीचे होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये फिल्टर ऐसे करके लग जाता है बड़ी आसानी पे। इसके 3 नट होते हैं, और यहाँ पे इसकी ओरिंग होता है। ओरिंग पे हमें रस्सी बॉन्ड लगा लेना है और इसे फिट करना है। खोलने में थोड़ी परेशानी अगर होती है तो इसे निकाल लेना है, पैनल को नीचे की तरफ स्प्रिंग निकाल के नीचे गिर लेना है। और इस फिल्टर में कचरा था पूरा भरा हुआ, हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। देखिए पूरा क्लीन दिख रहा होगा आपको। तो जब भी हम ऑयल चेंज करें तो हमें ये जो चीज़ें हैं ज़रूरी करनी है कि हमारा तेल जो है नया वाला साफ का साफ रहे। आपको तेल डालने टाइम में भी वीडियो दिखाते हैं किसान भाइयों। इस तरह हमें इस रिंग को अच्छी तरह से हैना बॉन्ड लगाने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे बड़ी आसानी से ये फिट हो जाता है। इस तरह बड़ी आसानी भी है लग जाता है। थोड़ा इसको थोड़ी से फटका देके हम लगा देंगे। ये देख लीजिए, ये फिल्टर ऐसे फिट हो जाता है। 3 नट लगे हुए हैं यहाँ पे, तीनों को टाइट कर ये क्लैंप अच्छी तरह दोनों से टाइट कर लेने, क्योंकि यहाँ से कभी एयर लेने की प्रॉब्लम आ सकती है। ये दोनों क्लैंप अच्छी तरह से टाइट कर लेने हैं। उसके बाद हम जो तेल कभी निकालते हैं तो ये गियर का नट है, गियर बॉक्स का नट, ये 17 नंबर रिंच से खुलता है। एक नट इसके यहाँ होता है, दूसरा नट इसके पीछे लगा होता है, ये वाला। कभी भी तेल निकालना है तो यहाँ से भी, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पे नट ऐसे। पीछे लगा होता है इसके, हमारे पीटीओ के नीचे लगा होता है ये नट। ये हमारी 20-20 लीटर की पैकिंग है, 40 लीटर ऑयल है। तेल डालने से पहले हमें ये दोनों नट जहाँ से तेल हम निकालते हैं इनको अच्छी तरह से टाइट मार लेना है 17 नंबर रिंच से। और दूसरा नट जो हमारा दूसरा बोल्ट जो हमारे लगा होता है ए गियर के नीचे, इसे भी अच्छी तरह टाइट कर लेना है। उसके बाद हमें तेल डालना है। अब हम तेल डाल रहे हैं, ये हमारा महिंद्रा का ओरिजिनल तेल है MSTAR। पूरा उन टाइम दो उड़का दो पूरा। छोड़ी दो ना, डाली दो। लाइट बंद कर, तेल डालने के बाद हमें ये हमारा गेज लगा होता है गियर के ऊपर, ये वाला 27 नंबर रिंच से हमारा खुलता है। यहाँ से हम ऐसे चेक कर सकते हैं इसको, इस तरह लगा के ये हमारा गेज होता है जो कि यहाँ गियर पे लगा रहता है। 27 नंबर के रिंच से इसे खोल लेना है, और इसे तेल डालने के बाद हाथ से ऐसे टाइट करके चेक कर, इसको फुल हाथ से टाइट करने के बाद इसको इस तरह खोल के
इसमें यहाँ पे देखिए दो कट बना हुआ है, दोनों कट पे तेल को हमको रखना है। ये फुल गेज होती है। अभी इसमें हमने 20 लीटर डाला है और डाल रहे हैं 20 लीटर। ये हमारी दूसरी बाल्टी है 20 लीटर की। सब बंद डाल दिया ले लियो तो चार पाँच को 20 लीटर छो ना। ये ऑयल की बाल्टी हमारी 20-20 लीटर की पैकिंग थी। ये जो है हमारी फुल 40 लीटर ऑयल लग गया इसमें। यहाँ पे गेज भी बता रहा है। जब भी किसान भाई अगर हम ट्रॉली चलाते हैं तो 5 लीटर तेल हमें एक्स्ट्रा रखना है इसमें, ताकि ट्रॉली में प्रॉब्लम ना हो चलाने में। देख लीजिए गेज में तेल पूरा दिखाई दे रहा है हमें, आपको दिखाई, क्योंकि न्यू तेल है, गेज भी न्यू है, इसलिए इसमें हमें पता नहीं चल रहा, पर दोनों कट पे हमने पूरा कर दिया है तेल। ये हमारा हाउसिंग है, हाउसिंग में भी फुल तेल कर दिया है। इस तरह हाइड्रोलिक को भी अच्छी तरह से धो लेना है, बिल्कुल क्लीन कर देना है। ये भाइयों हमारा गैरेज है, वीडियो को फुल देखने के लिए किसान भाइयों आपका हमारा नंबर भी शो हो रहा होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं किसी वीडियो के बारे में। सभी इंजीनियर काम करते हैं। वीडियो को फुल देखने के लिए इस किसान भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय किसान, जय जवान।